सोचते रहे कि हम पुत्रों को भक्त बना देंगे, बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए पहले खूब डट के भजन करके। अगर आप सोचो फिर बच्चों का कैसे कल्याण होगा, तो आपके मन में है ना कि उनका कल्याण हो जाए। जिस समय आप भगवत प्राप्त होंगे उसी समय उनको भगवत प्राप्ति का संयोग बन जाएगा, क्योंकि भगवत प्राप्त पुरुष जो संकल्प करे तो भगवान अपना संकल्प तोड़ सकते हैं, उसका नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए भाव अच्छा है, पर आप खुद प्रभु में डूबो, प्रभु से प्रार्थना करो, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो सर्वसमर्थ है। आप सर्वसमर्थ नहीं है, आप उसी सामर्थ्यशाली प्रभु की शरण में है। नाम जप करो, भजन करो, भाव रखो ऐसा, तो ये जो प्रतिकूलता है ये तुम्हें उत्साह प्रदान करेगी। और अगर आप कर्ता बनोगे तो प्रतिकूलता ऐसी आ जाएगी कि आप टूट जाओगे, क्योंकि हमारे संकल्प में इतनी ताकत नहीं है। संकल्प तो प्रभु का चलेगा, हम प्रभु के आश्रित होकर, और जब प्रभु बनाना चाहेंगे संत तो तुम रोको, अपनी कसम खाओ तो भी नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे भगवत मार्ग में। और अगर आप में भजन नहीं, आपकी प्रार्थना में दम नहीं है, तो संसार की माया आकर्षित कर लेगी, इतनी प्रतिकूलताएं आ जाएंगी कि आपका भी भजन रुक जाएगा। इसलिए पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने पैर जमाओ भक्ति में, कि कोई भी प्रतिकूलता हमारी भक्ति को नष्ट ना कर पावे। जैसे उदाहरण में अभी मान लो उन पांच में से किसी का समय पूरा हो गया, आपको पता थोड़ी कौन कितना जिएगा, समय है, कोई गर्भ में चला जाता है, कोई गर्भ के बाद चला जाता है, कोई अभी बाल्यावस्था में चला, कोई यौवन अवस्था में चला जाता है, तो आपकी भक्ति अभी बाधित हो जाएगी कि हम तो लगाना चाहते थे भगवान में, भगवान ने ऐसा क्योंकि मार दिया। अब ज्ञान है नहीं, अंदर निष्ठा है नहीं, तो आप ही फिसल सकती हो। पहले वो भगवान के हैं, और मेरा काम भजन करना है, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी भी बुद्धि भगवान में लगे। बस वो भगवान के हैं, हम तो नौकर हैं इनके, सिर्फ नौकर। हमारी सामर्थ्य नहीं कि इनको भगवान में लगा सके या इनको करोड़पति बना सके, हमारी सामर्थ्य है, हमारा भाव है कि भजन करे, पर पूर्ति भगवान करेंगे। इसलिए खूब डट के भजन करो, भाव करती रहो, प्रतिकूलता